टेक आउट योर इंग्लिश कॉपीज। ये देखें, मैम ने इस तरीके से कॉपी रेडी की है। कुछ कुछ तो सोच रहे होंगे कि मैम ने ये क्या ड्रॉ किया है ना। क्या सोच रहे हैं आप लोग? सोच रहे हैं ना कि मैम ने ये क्या ड्रॉ किया है? तो अभी मैम आपको बताती हैं। पहले जल्दी से डेट तो राइट कर लीजिए, जल्दी से डेट राइट कीजिए। और डेट तो सबको पता चल गई है, टू डेट इज 22 अप्रैल 2021। ठीक है, ओके। चले, अब मैम के साथ साथ आप लोगों ने राइट करना है। ठीक है, पहले तो हम ऊपर की हेडिंग राइट करेंगे। वन फिंगर स्पेस मैम के साथ साथ राइट कीजिए, एल ई ए नॉपी टू ब्लू। L E A R N learn, one finger space, ठीक है, A N D and one finger space, W R I T E write, learn and write। अब तो सबका सस्पेंस खत्म होने वाला है कि मैम क्या राइट करवा रही है यहाँ पे। वोवेल, सबको पता है ना, वोवेल V O W E L, वोवेल। अब तो सबको पता चल गया होगा कि मैम ने ये क्या राइट किया है। सबको दिख रहा है ना, ये मैम ने ड्रॉ किया हुआ है ना, और यहाँ पे मैम ने राइट भी कर दिया है, वोवेल। अच्छा, मैम का यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है, तो मैम यहाँ लिख रही है। ठीक है, एल ई, यहाँ पे डबल टी, टू टाइम टी, दो दफा टी राइट कीजिए, ई आर एस फुल स्टॉप। Learn and write vowel letters. There are five vowels letter. कितने vowels letter होते हैं? Five. मैम के साथ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। अब मैम राइट करके भी दिखा रही है आपको। चले, मैम के साथ साथ राइट कीजिए। Vowel letters हम मिडिल लाइन में राइट करते हैं, ठीक है। मैम के साथ राइट कीजिए मिडिल टू लाइन्स में, A, 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 A। चले राइट कीजिए मैम के साथ, A। ओके, अब राइट करें यहाँ पर, देखिए मैम मिडिल टू लाइन्स में राइट कर रही है ना, मैम के साथ साथ करें, E, पुट ऑन अ डॉट, E। फिर मिडिल टू राइट में राइट कीजिए, ओ, ओ, लास्ट है हमारा अ। कितने वॉवल्स लेटर हैं? फाइव। काउंट विथ मी, 1 2 3 4 5। सबको नजर आ रहे हैं? इस तरीके से आपने कॉपी में राइट करना है और इस तरीके से आपने वी बनाना है। अच्छा लग रहा है ना? इस तरीके से राइट कीजिएगा वॉवल लेटर्स। वन पेज पे मैम ने आपको करके दिखाया है और नेक्स्ट पेज पे आपने यहाँ पे देखें ऐसे खुद करना है, ठीक है। आपने हेडिंग भी राइट करनी है, डेट भी राइट करनी है और यहाँ पे वोवेल लेटर भी राइट करने हैं। फर्स्ट पेज बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसी तरीके से आपने ये वर्क करना है, वन पेज एंड टू पेज। ओके स्टूडेंट, टू टाइम्स हो जाएगा इस तरीके से। क्लोज योर इंग्लिश कॉपी, टेक आउट योर डायरी। यस स्टूडेंट, पहले आप लोग अपनी डायरी देख लीजिए अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। डायरी सबको नजर आ रही है? गुड। चले, अब मैम आपको पढ़ के भी बता देती हैं। स्टोरी बुक रेड पेज नंबर 43, इंग्लिश बुक डू बुक पेज नंबर 106, 107, 100 एंड। ठीक है, ये थ्री पेज मैम ने आपको वर्क करवाया है और आपने ये वर्क करना है। इंग्लिश कॉपी राइट वॉवल लेटर्स टू टाइम्स। कितने? टू टाइम्स। फर्स्ट टाइम मैम ने आपको बताया और सेकंड टाइम आपने खुद करना है। इस्लामियत
लर्न क्वेश्चन नंबर 3-4 डेली एप्लीकेशन लर्न क्वेश्चन नंबर 3-4। अच्छे तरीके से डायरी देख लीजिए, यहाँ पे मम्मा के सिग्नेचर होने चाहिए पेरेंट्स कॉलम में, और यहाँ पे देखिए मैम ने खुद सिग्नेचर कर दिए हैं। क्लोज योर डायरी। यस स्टूडेंट, क्लास फिनिश हो चुकी है। बुक की वर्किंग और कॉपी की वर्किंग मैम ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, इसी तरीके से करना है। अपना प्रीवियस वर्क दोबारा देख लीजिएगा कि कोई पेज रह तो नहीं गया है बुक का, कॉपी का। जो वर्क मिस हो तो आप वो कर लीजिए ताकि चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। मैम जब मंगवाएंगी ना चेकिंग के लिए, तो सबका वर्क कम्प्लीट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और सबने अपना ख्याल रखना है, मैम को भी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।